वाल्मीकि नगर बैराज गंडक नदी का दृश्य है। दो दिन से लगातार हुई बारिश के कारण यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है नदी में। ये है गोनावली बाजार। गोनावली बाजार की स्थिति देख ले भाई। कब बनाई हमने। ये कौन जगह पे आप खड़े हैं भैया? यहाँ पर ये धुमनी टोला रिंग बांध है जी, सिकरना पंचायत का, लाल पुस्तक गाँव का पंचायत में। नदी का किनारा आपका सिकराना नदी है। सिकराना नदी है। क्या स्थिति है, क्या आपको इस संबंध में कहने का है? अब इस संबंध में ये कहना है कि ये बांध जो है अभी मतलब दो साल में दो बार ये जो बांध जो टूटा। इससे पहले 10 लाख रुपए का इसके ऊपर काम हुआ था, उसके बाद भी टूटा है ये। फिर जो 29 लाख रुपए का इसमें एंटी इरोजन से काम हुआ, वो भी जो है सो मतलब कि इसी तरह से जैसे ये फ्लड का टाइम हुआ उसी तरह से फ्लड के टाइम पर वो भी 29 लाख का रोजन एंटी इरोजन का काम हुआ, वो भी जो पैसा पानी में गया। अभी जो है ये मार्च में विधायक जी यहाँ पर आए हुए थे, मार्च में आए हुए थे यहाँ पर जो सो यहाँ से विजिट करके गए, लेकिन मार्च अप्रैल मई यहाँ कोई काम नहीं हुआ। लास्ट में यहाँ हम लोग और यहाँ के जो लोकल पब्लिक था यहाँ के प्रयास से और पीओ साहब के प्रयास से फिर ये जो सो अभी डीएम साहब चाहे जो भी यहाँ लोग आए और इसको इंक्वायरी करके गया, फिर भी जो सो मतलब वही टाइमली एक्शन नहीं होने के अभाव में फिर वही जो सो वो दोबारा जो ये बांध जो सो टूट गया और कंप्लीट जो सो फ्लड चारों तरफ फैला हुआ है। किसी को एक पाव धान नहीं होना है। और यहाँ से अगर ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर अगर ये टूटता है तो पूरा जो सो गाँव ये अफेक्टेड बस। और यहाँ पर इतना सा वो थोड़ा सा बांस लेकर के लगा देंगे, थोड़ा सा झांकी यहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद से रुकना तो है नहीं, पैसे जो लोगों के बन जाते हैं। इसके लिए किसको आप दोषी मान रहे हैं? इसके लिए जो दोषी है यहाँ जो लोकल जो प्रशासन है, प्रशासन इसमें दोषी है। यहाँ के जो अपने विधायक जी हैं वो हैं, यहाँ के जो अपने जो मुखिया जी हैं, इन लोगों को टाइमली प्रयास जो करके इसमें कराना चाहिए था काम। अभी ये जो नदी की स्थिति है इससे तो लगता नहीं है कि पानी रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं आना है, नहीं परेशानी होगी, बिल्कुल बिल्कुल परेशानी होगी। और ये 8 पंचायत जो ये इसमें अफेक्टेड होता है जी जी। इस परिस्थिति में बहुत सारी परेशानी होगी, खेत आप खेती नहीं कर पाएंगे और रहने की भी समस्या होगी। तो मतलब अभी क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से व्यवस्था से कि फिलहाल बाढ़ से कुछ रक्षा सुरक्षा? सरकार से ये मांग है कि अभी जो फ्लड जो रिलीफ है इमीडिएट तो वो तो लोगों को प्रोवाइड होना चाहिए। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो भी ये बांध गए बांध के कटाव का परमानेंट कोई अस्थाई जो है प्रयास होना चाहिए, सीमेंट वर्क होना चाहिए, नहीं तो ऐसे जो है केवल जो है मिट्टी बनाने से बांध नहीं रुकने वाला, मिट्टी बनाने से और जो बांस इतना जो लगा लिया गया उससे बांध नहीं रुकने वाला। 4-5 दिन पहले डीएम साहब भी आए थे, उनके साथ पूरी टीम थी जिला की, उन्होंने ऐसा कुछ आश्वासन दिया और उसका कुछ अमल हुआ? उसका अमल ये हुआ कि वो मतलब उसके अमल होते होते 1 हफ्ता फिर लग गया, तब तक वो जिस दिन काम शुरू होना था उस दिन से बरसात शुरू हो गया जी जी। नदी में पानी आ गया, नदी में पानी लगता नहीं है बचने का उपाय, तो कोई जो सवाल ही नहीं है। जो बाढ़ से प्रभावित और परेशानी निश्चित है, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दूसरा जगह भी कटने वाला है, पूरी जो पब्लिक परेशान है। और मतलब कि इसके ऊपर एक जगह नहीं है, आगे भी आप जब जाइएगा आगे भी वही हाल है, आगे भी जो है हम ये जो एक गांव है उसके पीछे जो है इसी तरह से बांध से टूट रहा हर जगह, बांस वगैरह हो ही कुछ ना होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, बांस को लाने से खाली बिल भाव चार बनेगा, लेकिन बांस झाकी झाकी से रुकने वाला है, बांस कुछ नहीं होने वाला। सुगौली प्रखंड सुकुल पाकड़ पंचायत की यह जो सिकराना नदी का रिंग बांध है, यह बांध पर सबसे पहले हमारे इस पंचायत के पब्लिक और जन प्रतिनिधि की लापरवाही से 2017 में टूटा, 2017 में बनाया, रिपेयर हुआ, रिपेयर भी नहीं हुआ, फिर 2020 में टूट गया। आज तक आश्वासन देते रह गए अफसर लोग, खुद मैं गया मनरेगा पीओ साहब के पास, जो हाथ खड़ा करके इनकार हो गए कि हमसे नहीं भराएगा। पता ना इस समय किस अवस्था में 13 जून 2021 को यहाँ पर भूमि पूजन हुआ और बांध भरने की प्रयास हो रही है, जो यह योजना लूट खसोट की सारी योजना बन रही थी,
आज देख रहा है लोग कि मौसम मानसून आ गया 13 जून को, फिर भी योजना को लूट खसोट के लिए सारी योजना बनाई गई थी। जो पूर्व में पूर्व से जान रहा है लोग सभी कि आज से 10 महीना पहले से यह बांध टूटा हुआ है, 2020 से बांध टूटा हुआ है, लेकिन आज तक लापरवाही है, कोई नहीं भरवाया। लेकिन आज जो है टूट जाने के बाद में यह सभी लोग, समय आ गया है, नदी भर रहा है, तब समय आ रहा है तो भरने की प्रयास हो रही है। यह योजना की नीपापोती करने की साजिश चल रही है। दूसरी बात, जो जल संसाधन विभाग की बात है, यहाँ 2019 में एंटी रोजक योजना से बांध नदी कटाव रुक रही थी, उसमें जल संसाधन विभाग का एक्सिक्यूटिव इंजीनियर चाहे कोई भी इंजीनियर नहीं आया किया, यहाँ की ठेकेदार की मनमानी लूटने की मौका मिल गया, नहीं भरवाया। आज जो है सलाल परसा बांध फिर टूट रहा है, आज 1 फीट 1.5 फीट बचा है। आज अफसर आके कह रहा है कि बांस हलाइए, हम सब कहेंगे सभी ग्रामीणों से कि वह बांध रुक जाएगी बांस हलाने से, सभी योजना की रुपया सरकारी रुपया की गबन करने के लिए आज यह सब साजिश बनाया है लोग। मैं यही कहूँगा, 9 लाख का योजना किया, वो 20 मीटर बांध भरवाया, रिपेयरिंग थोड़ा भी नहीं किया, और बोलता है कि नदी हम रोक देंगे, और नदी में कभी भी झांकी पारने के लिए नहीं आता है। और देखिए नदी का स्थिति, बार बार वो आकर देखता है और कोई काम नहीं करता है। मुखिया जी, अभी जो स्थिति है उसमें उपाय नहीं है बचने का, कोई उपाय नहीं है, बांध टूटा हुआ है बिल्कुल, अभी फिर दोबारा टूटने वाला है दूसरी जगह, एक तो बह रहा है एक दूसरे जगह, फिर गांव का आमने सामने टूटने वाला है। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।